ऐसे चेक करते रहना है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको स्वागत है मेरा प्यारा सा ब्लॉग में। तो फिर से ब्लॉग को शुरू करते हैं। खाते हैं यहाँ में फ्राई आज चौमेन, जो जिसका हाथ भी चौमेन, और ये है फ्राई मोमो, और ये है मोमो डायरेक्ट, और यहाँ में सूप। बहुत बढ़िया से यहाँ में क्या क्या ऑर्डर कर दिया है, मोमोस, चौ चौ मोमो। तो यहाँ पूरा खाना शुरू है। ये पोर्ट मिनी खाता है तेची, पोर्ट मिनी खाता है ना? नहीं खाते है, खाता है लेकिन अभी खाने बंद नहीं है, बदन ठीक नहीं है ना, तो बीमार है ना उसका वजह से। तो मत खा लो, रंग चुपड़ा खा ले। मोमो बहुत टेस्टी है, खाओ पहले उसका बहुत टेस्टी है। बोलो पम पम दे रहा ना, कौन दे रहा पता नहीं। चलो कोई नहीं दे रहा, मैम दे रहे, मैम। थैंक यू मैम। कहाँ पर दिखा नहीं मजा आएगा कहाँ पर। चलो बुटूर फिनिश करो चौमेन। यस यस या चटनी भी ले लो। मीठा चटनी है क्या, खा के देखो तो। चटनी तो मीठा है ना? कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा है, बढ़िया बढ़िया है ना, एकदम सूप। एक बार टेस्ट करके देखो, और बढ़िया है सूप। और यहाँ में ठंडा पानी और नॉर्मल पानी दे दिया। बेस का मिलेगा, वाओ बेस का दवा बना दीजिए, ऑयल कप कर, वाओ वाओ। ये कर दीजिए, अच्छा है। मायूस मायूनिस ना क्या बोलते हैं इनको, मायूनिस सॉस, मायूनिस वेज का है ना क्या, वेज का है क्या, वेज का है। ये फ्राई मोमो ऑयल बहुत ज़्यादा है अंदर में, मोटा हो जाओ खाओ और मोटा हो जाओ। नहीं मैं बहुत मोटा हो गया अभी, लेकिन लेकिन क्या करो यार, कौन का स्टाइल खाने का हुआ, क्या ही बोलेगा। मैं नहीं खा सकता यार, पूरा मीट है यहाँ पे ना, मैं ट्राई करता हूँ। ये चौमेन फ्राइड राइस ऑर्डर कर रहा हूँ, बेस का ऑयल का चौमेन ट्राई करता हूँ सबसे पहले। तो आधे दे से मैं खाऊंगा। सो ये सबको डिलीशियस वाला को दोस्त लोग को एंजॉय कर दे दो, एंजॉय कर दे दो यार, एंजॉय कर दे दो, बहुत बढ़िया से एंजॉय कर। बच जाएगा मेरा, मुझे जल्दी जल्दी वो बनाना है, वीडियो बनाना है। तब मैं मेहमान जाऊंगा। प्रियंका का तो सिर्फ चटनी खा रहे यार, ये भी खाऊंगा वो खत्म करे तीन तो। और इनका भी पूरा बच गया, दीदी का भी एकदम थोड़ा सा बचा है, और मेरा तो इतना सारा बच गया। फ्राइड राइस आ गया क्योंकि ये चिकन का है, और चीची जो है पोर्ट मीट आज नहीं खा रहा है क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। वो वेज का है ना, वो वेज का खा रहा है, उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, कंडीशन जो है थोड़ा मतलब बुखार है, गला में भी ख़राब है उसका वजह से। तो वो ब्लू ब्लू कलर का है, तो प्यास है। ब्लू आई लव यू, ब्लू ब्लू कलर ओनियन नहीं का, ब्लू ब्लू आई लव यू बोला, ब्लू ब्लू आई लव यू। ये तो ओनियन नहीं है, केबेज है। सिकोन तो पूरा ख़त्म कर दिया, ये चौमेन मोमो सब प्रियंका तो खा नहीं सक रहा है, और मेरा थोड़ा बच गया। पता नहीं मेरा पेट इतना छोटा है ना, जल्दी जल्दी मतलब खाने नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं हो पाता जल्दी से, पूरा पेट फूल हो जाता है ज़्यादा खाने से, फिर वो लगता है निकल जाएगा ऊपर उसका वजह से। बहुत टेस्टी है ना ये सूप, लोग सूप भी बहुत टेस्टी है। सो फाइनली सूरत केएफसी, और ये है लोकेशन जो है खुशिया बिल, क्योंकि बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कौन सा जगह में, कौन सा खुशिया बिल 80 कॉम्प्लेक्स। ये लोकेशन जो है गूगल में सर्च करने से आ जाएगा, 80 कॉम्प्लेक्स खुशिया बिल, 80 कॉम्प्लेक्स ना। तो आप लोग यहाँ आके ज़रूर विजिट करना, एकदम बहुत ही कंफर्टेबल जगह है, और यहाँ में आप लोग सो सकते हैं, पूरा रूम है यहाँ में अवेलेबल रूम है, आप लोग टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आराम से आके यहाँ बैठ सकते। तो पूरा खा के हजम हो गया, आ गया हूँ फिर से रूम में जा रहा हूँ। तो अरे बा इतना बारिश बारिश यार यार, गाइस आप लोग देख सकते हैं इतना बारिश बारिश हो रही है, हमें पूरा बारिश गिरना शुरू हो गया, पूरा मौसम पूरा बारिश, और पूरा बादल से दाग दिया आसमान को भी, अभी बारिश भी यहाँ तक पहुँच रहे। ओह
ये खुशी पूरा बिक जाएगा, बिक जाएगा। इसको रूम का अंदर डाल देता हूँ, नहीं तो पूरा बिक जाएगा ये। इसको यहाँ में पूरा बिक जाएगा यार। तो आज मैं जा रहा हूँ, ये यहाँ बैठते रहेगा। ऐसा मत करो यार, पर मत करो, मेरा काम बहुत काम, मेरे टेंशन से मैं बैठ रहा हूँ यार। ठीक है, वो काम को कंप्लीट करके आओ, पर प्रॉमिस करो लेने आएगा बोल के। हाँ, ट्रेन से लेने आएगा बोल के प्रॉमिस करो। हम दोनों इतना दिन नहीं बैठ पाएगा क्योंकि वहाँ जाने से भी मेरा टेंशन होगा अभी, क्योंकि बारिश कम नहीं हुआ अभी तक, पानी वगैरह भर रहा है ना, बढ़ गया है, तो काम वगैरह नहीं होगा अभी जाने से, इसलिए थोड़ा सा यहाँ में टाइम स्पेंड करके जा रहा है। अगर पानी कम हो जाता है, पानी का लेवल, तो मैं फिर से जाके हम लोग रिजॉर्ट को स्टार्ट करेंगे यहाँ से ना। तो आपका काम तो एक दो दिन का होगा हमें, उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा वो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, डबल 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 बहुत तकलीफ लगता है ना, आना जाना के लिए बहुत दिक्कत होता है। तकलीफ क्या है, तुम भी चलो जाएगा, इतना दिन हो गया, कितना 10-12 दिन हो रहे यार, नहीं जाएगा। चलो, हम तो नागालैंड में जमाई बेचने वाले हैं, चलो जाएगा, नहीं जाएगा। तो गाइस, यहाँ में बारिश दे रहा है, तो मैं भी निकल जाऊँगा बितुल लोग का साथ में, क्योंकि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया। मंडे को ठीक पहुँचना है मुझे, मंडे 7 को ठीक पहुँचना है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। अचानक से वहाँ से भी कॉल आ गया और मैसेज आ गया, इंपॉर्टेंट कुछ पर्सनल चीज़ है उसका आ गया, बाद में धीरे धीरे आप लोग को बता देगा वीडियो में। क्या करेगा, अचानक अचानक से कुछ कुछ हो जाता है, और इम्पोर्टेंट काम क्या करेगा, वो नहीं जाने से भी मुझे काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा लाइफ का सवाल है, मेरा ज़िंदगी का सवाल, इसलिए मुझे जाना होगा। तो बितुल लोग से निकल जाएगा और पम्पम यहाँ रह जाएगा, पम्पम बाद में आएगा, तो उसके कारण से मैं जा रहा हूँ। तो लव यू ऑल पीपल फ्रॉम नागालैंड, आप लोग ने बहुत प्यार दिया हमें, बहुत सपोर्ट दिया, बहुत खुशी से यार, हम नहीं बोल पा रहे यार, इतना प्यार दिया आप लोगों, बहुत दुख लग रहा है, इतना खुशी, दुख प्लस खुशी यार, वो मैं बयान नहीं कर सकता आप लोग के साथ। बहुत बड़ा तोहफा दे के हमको अरुणाचल ले जा रहा हूँ मैं, इतना प्यार यार कहीं में भी नहीं मिला है, इतना प्यार। तो हम लोग निकल जाएंगे ना साथ में। हाँ, बितुर यहाँ तो सो रहा था, पता नहीं कहाँ चला, नीम पट्टा। ओ तो ठीक है ब्रो, आप लोग से मिल के बहुत बढ़िया लगा है, मैं भी कल निकल जाऊँगा अरुणाचल, क्योंकि मेरा बहुत अर्जेंट काम आ गया, उसका वजह से आज निकलना पड़ रहा है, नहीं तो ये लोग का साथ बैठना था थोड़ा अर्जेंट। और आप लोग से मिल के बहुत अच्छा लगा है, आराम से खुशी से मस्ती से रहना ना, जहाँ सुंदर लड़की वहाँ का था बहुत हरामी हो तो आराम से बैठना और ना खुशी से रहना, वो चालू है ये, सिर्फ जहाँ सुंदर लड़की होता ना वहाँ पर हैंडसम। अरे गुड बाय दे रहे यार, तू ऐसे ना कहे, किसी को गुड बाय दे रहा है, मुंह से बोल सकते हैं। ठीक है, जाते रहो, बाद में हम आएगा ना, रहते जाते रहो, बाद में आएगा हम। दुर्लभ का पास पकड़ा है, इसको पैकिंग करके ले जाएगा नीचे पे, नीचे पे पूरा लोग आगे निकल जाएगा, तो मैं तो बाद में आऊँगा। सेब का बोतल, वाह, चलो क्या 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 पानी बोतल, चिमनियों का उसको दे देना है। ओके ठीक है, तो दीदी बाय बाय, बाय बाय, बाद में आ रहे, मिलेंगे। हाँ, तो ये है सेब बटर का बोतल, उसको दे देगा हम, उनका बोतल बितुल का पास रह गया, तो मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ। टर्न रह गया, क्या चीज़ फंस गया, वो ट्रक को ठेर रहे पूरा। अरे यार गड्ढा में फंस गया था, इतना सारा कीचड़ है ना, तो यहाँ में फंस गया ये डंपर, तो ट्रक तो पिकअप नहीं ले रहा था। कीचड़ तो देख सकते हैं आप लोग, एकदम स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल मछली रखने से पूरा भरा हो जाएगा यहाँ में। तो इस ब्रदर भी जा रहे यहाँ से, आप लोग देख सकते हो यहाँ में पूरा इतना बड़ा बैग, पम्पम खुद का साइज का बैग चॉइस कर लिया, देखो खुद का साइज, तेरा साइज का है देखो। तो ब्रदर भी पूरा सामान ले लिया। ब्रदर आप लोग कब निकलेगा बस्ती फिर? हम लोग मंडे ट्यूसडे में निकल जाएगा, मंडे ट्यूसडे ना। किसका हक है वो? सूरज इनका है क्या? तो ब्रदर बाय बाय, हम लोग कार निकल जाएंगे और
खुशी से रहना। हाँ लेकिन हम दोनों मिलेगा ना फिर बाद में, सिटी लाइन कैफे में जा रहे हैं हम लोग, अभी निकलेगा। हाँ हम लोग अभी निकलेगा, कैफे में इनवाइट किया। ओह ठीक है, ओके जा रहे हैं, बाद में फिर से मिलेंगे हम लोग। ये लोग का सामान पहुँचा देंगे, पम पम पहुँचाने जा रहे हैं। चलो बा मैम इतना सारा सामान लेके आया, पूरा गाड़ी फुल। आ चुके हैं, वो इतना ज़्यादा सामान लेके आया, वाह शेर, यहाँ दुकान का सामान नहीं लगता है। ये बैग पम पम का शरीर का जितना लगता है हमको, एकदम कलर भी ऐसे ही है पम पम का जैसा है शरीर का, ये बैग का कलर। तो हम लोग निकल रहे हैं, तो ड्राइव करेगा मैम का गाड़ी, इतना लंबा गाड़ी आराम से चलाना। हाँ हाँ मतलब चलो निकलते हैं, लेट्स गो। इतना ज़्यादा सामान है यहाँ में, कैसे फील लग रहा है इतना बड़ा गाड़ी चला के, ट्रक चला रहे हैं। मस्त है, स्मूथ है, मक्खन जैसा, बहुत स्पीड लग रहा है गाड़ी देख के। लाइक इट नॉट क्रॉस 80, इट नॉट क्रॉस 80, ओह या दिस विल नेवर क्रॉस 80। अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज़ लाइक दिस इज अ कमर्शियल व्हीकल, नो वी कैन एडजस्ट इट, बट लाइक इट्स बेटर दैट्स बेटर क्रॉस 80 या बिकॉज़ वी डोंट नीड टू, यू नेवर नो ना, वी नेवर नो। ओह तो दुल्हा ब्रो ये चला क्या है, वाओ इतना बड़ा गाड़ी चला के दुल्हा ब्रो, गुड नाइट, हैवी नाइस ड्रीम, एंजॉय किया आपके साथ, बहुत एंजॉय। चलो दीदी बाय बाय, अच्छा से बस्ती जाना, गुड नाइट। तो अभी यहाँ से निकल जाएगा मैं भितुर का, यहाँ में भितुर का वहाँ जाएगा, अभी वहाँ में रुक रह कर निकलेंगे हम लोग तेजू गेट कैसे। वाह ना मोरम कुचू, तो ब्रदर गुड नाइट, हैव ए नाइस ड्रीम, फिर मिलेगा, फिर मिलते हैं चलते चलते, अरुणाचल आएंगे ना आप लोग, ओके मिलेगा फिर। तो पम पम वो गाड़ी चला रहा है, अच्छा से जाना, ओके ब्रदर फिर मिलेंगे ना, अच्छा से आप लोग को टाइम स्पेंड किया, हम लोग को मिल गया, बहुत मिस कर रहे अभी तो सच बोल रहे हैं। अरे हम लोग भी इतना मिस करेंगे ना ब्रदर, कांटेक्ट में होते ना अभी, इतना कांटेक्ट में होते रहेंगे। तो यहाँ में पम पम ये गाड़ी ले जाएगा, हम और दुल्हा ये गाड़ी में जाएगा, बैग कर ले चलो। वाह वाह पम पम इतना बड़ा गाड़ी चला रहे है सुजुकी, इतना बड़ा गाड़ी, ओ माय गॉड, लेफ्ट साइड रुको, आओ काटो काटो, बस पम पम गाड़ी बैक कराए पूरा, इतना बड़ा गाड़ी। लेकिन रास्ता किसको मालूम है, सिर्फ मेरे को रास्ता, सिर्फ दुर्लभ को मालूम है क्योंकि हम नागालैंड का आदमी हैं। या तो हम लोग निकलने वाला है भितुर का वहाँ में, तो वहाँ रह जाएगा सेम इंजीनियरिंग का वहाँ में, तो वहाँ स्टे करेंगे आज़ाद, और सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे अरुणाचल की ओर। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, उसका वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, मंडे तक मुझे पहुँचना है इसकी वजह से। आया गाड़ी फिर से बंद कर दिया यार, ये रास्ता खराब है ना, आराम से कुर कुर से गाइस देख सकते हैं, रास्ता इतना खराब है, इतना खराब है, किचर किचर, अरे भाई। तो हम लोग पहुँचने वाला है थोड़ा ही देर में, अभी ऑन द वे हाईवे में, तो वहाँ पम पम चला रहे आगे में बड़ा गाड़ी से, तो मैं आ गया हूँ छोटा गाड़ी में, डिमोशन हो गया, डिमोशन हो गया ना, आदमी का प्रमोशन होता है लेकिन हमारा डिमोशन हो गया, डिमोशन हो गया। तो अभी पहुँचने वाला है थोड़ा ही देर में, यहाँ में डीसी ऑफिस का सामने है बोला था भितुर वो लोग, तो कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे।
इतना सुंदर स्किन यार, छोटा क्लॉक टावर, क्लॉक ही नहीं, स्क्रीन तो मजा से डाला है चारों तरफ से। मैम एंड बाय बाय, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, अच्छा से रहना नागालैंड में। हाँ ओके, कमिंग सुन, ओके कम सुन, ओ कम सुन, ओके वी हैव ऑलरेडी इन ग्रुप ना, या तो बाय बाय और गुड नाइट, आराम से जाना, मेरा पास पूरा सामान, ओके टेक केयर। तो यार बितुलवा यहाँ आ गया लेने के लिए यार, रास्ता भटक गया था हम लोग, चलो दुल्लभ एंड पम पम। यार रोड है पूरा इंजीनियर साहब का है ना, तो इसलिए पूरा रोड रोड लोहा रखा हुआ है। तो हम पहुंच चुके हैं सेब इंजीनियर का यहाँ में, पूरा रोड ही रोड है, वाह इतना लोहा लोहा लोहा। गुड नाइट बिटोल। तो हम पहुंच चुके हैं, सो रहे है? ओ ये गिफ्ट मिला था तो इसको लेके आए, इसको खाना खाएगा वहाँ में जाके। टीची सो रहा है। हेलो गाइस, कार सुबह निकलना है ना, कितना बजे निकले? तीन तीन चार बजे निकले, चार बजे। तो मैं उठा हूँ सुबह सुबह और यहाँ मैं देख सकते हैं इंजीनियर सर का पूरा लोहा लोहा लोहा, वाह इतना सारा लोहा, पूरा गेट वगैरह बनाया हुआ है तब ना, बराबर गेट फिर लोहा से, और ये तो क्या कुछ शेड टावर पोस्ट कुछ बनाएगा होगा। मैं कल रात को यहाँ आया था क्योंकि आज निकलना था डायरेक्ट, और बितुर और कहाँ सो रहे पता नहीं, आगे मैं आया था एक बार के लिए। तो हम लोग यहाँ से निकलने वाला है अरुणाचल प्रदेश, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने इतना सारा प्यार दे के हम लोग को अरुणाचल भेजा है, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत मस्ती किया, एकदम बढ़िया लगा है। और सुबह सुबह उठ गए हैं, ये प्रियंका जी पूरा बीमार हो गया बोल रहे हैं, ये तो पूरा बीमार हो गया, जैसे तैसे जाना पड़ेगा, पूरा खास है गला खराब हो गया, बीमार ठीक नहीं हुआ है ना, बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और सुबह सुबह गर्म पानी पी रहे हम, क्योंकि सभी लोग पूरा बीमार हो रहे हैं, बितुर का बीमार है, इनका प्रियंका पूरा बीमार हो गया, मेरा पूरा सर्दी और थोड़ा सर्दी, मेरा भी थोड़ा सा मतलब बुखार बुखार सा हो रहा है, पता नहीं क्लाइमेट मतलब नहीं मिल रहा है, क्लाइमेट नहीं मिल रहा है क्या सेट, तेजी का भी पूरा गला खराब है क्या कल से, पूरा बुखार आधा मुरा हो गया था, आधा मुरा ना। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएगा, शाम को पहुँच जाएगा, शाम को कितना तीन बजे, तीन चार बजे पहुँचेगा होगा, वन आवर्स लेट ना, पूरा गला खराब हो गया मेरा, तो उस दिन से गला खराब हो गया क्योंकि बारिश का पानी पी दिया तब से। आंटी हम लोग निकल जाएंगे, और गर्म पानी ये तो पूरा बीमार है उस दिन से, बीमार ठीक है, बाय बाय, अच्छा से खिलाया, फिर मिले, बहुत टेस्टी से खिलाया कल भी, अच्छा गला दर्द दे रहा है। अभी हम लोग निकल जाएंगे सेम इंजीनियर का यहाँ से, तो इंजीनियर साहब का पूरा देख सकते हैं आप लोग, पूरा लोहा बाटी यहाँ में, आप लोग यहाँ में कुछ मतलब गेट वगैरह बनाने ऑर्डर करना है तो यहाँ कर सकते हो आराम से। लोकेशन का इंडस्ट्रियल विलेज, इंडस्ट्रियल विलेज ना, रजिप ना, टीजीकॉट ना, ओके थैंक यू। तो अभी हम लोग निकलेंगे और बितुलो आगे निकल चुके हैं, तो मेरा ये ले लेगा, और मेरा शू भी काफ़ी गंदा हो गया उस दिन से, धुलाया नहीं, थैंक यू। तो मेरा सेम इंजीनियर का यहाँ से निकल चुके हैं, सेम इंजीनियर सो रहा है, तो इसलिए हम लोग
जल्दी जल्दी निकल रहे क्योंकि सुबह है, जल्दी जाना है नहीं तो आसाम में पूरा ट्रैफिक होता है उसके कारण से। सामान पूरा डाल लेता है यार। तो पम्पम और दुल्लभ ब्रो लोग, सूरज लोग, वो लोग थोड़ा दिन बीतेगा, वो लोग बाद में आ जाएंगे। तो हम लोग प्रियंका, बितुर और हम चेची लोग आज निकल जा रहे, और क्योंकि मेरा क्या बोलता है बहुत ज़रूरी काम हो गया, उसका वजह से मुझे निकलना पड़ रहा है जल्दी जल्दी, नहीं तो काम पूरा लॉस हो जाएगा अगर थोड़ा दिन यहाँ बैठने से। अगर फ्री होने से फिर आएंगे हम लोग थोड़ा दिन के बाद, फिर एक्सप्लोर करेंगे नागालैंड, पूरा टूर करेंगे जितना हो सकता है। ये पर इतना टाइम नहीं मिला है टूर करने का, घूमने को एक ही जगह से ज़्यादातर ब्लॉगिंग किया है शाम शाम में से। तो नेक्स्ट टाइम जितना हो सकता है कोहिमा सब टूर करेंगे। इतना यहाँ सी ऑफ करने आया, थैंक यू। हाँ ओके ओके, हमारा वापस घूमने के लिए सेम भैया का था। ये सेम ब्रदर का होगा, सेम इंजीनियर का मम्मी है, सेम का मम्मी देखो। तो कल रात में सेम का यहाँ में आया, कैसे हो रहा है नीचे नहीं हो रहा था पता नहीं डाउन करके ये जो बाहर से आदमी आता है ना वो उसको गाइड करो, पूरा अरुणाचल दिखाओ, सब पूरा अरुणाचल दिखाओ। वो डाउन नहीं हुआ था अरुणाचल लगा लेना, देखने के लिए हम लोग एक्चुअली सर यहाँ और बैठना था ना, ये बहन बीमार हो गया ना फिर क्योंकि चेक करना भी ये लोग का हक बनता है, राइट्स बनता है, तो हम लोग को मेंटेन करना चाहिए वो चीज़ को। क्योंकि इन लोग का भी चेक करने के लिए हक बनता है, राइट्स बनता है, क्योंकि बॉडीगार्ड होता है ना, ये लोग का वजह से गलत काम करने वाले लोग को मतलब वो होता है ना, गलत काम करने वाले इंसानों के लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये लोग का बहुत मतलब ये लोग का वजह से जो जो खराब काम करता है वो लोग को पकड़ में आता है, साथ देता है, इसलिए बहुत अच्छा बात है। जितना भी हो सकता है ऐसे चेक करते रहना है। तो बितुर को तो आप क्लिप देख सकते हैं, आप लोग बितुर को तो इतना सारा क्वेश्चन पूछा है इसको, तो पुलिस लोग ने कितना काम आता है, कितना पैसा है, पूरा पूछ रहे इनको तो ना, इनको तो इतना पूछताछ कर देना यार, पैसा से क्या लेन देन है यार, कितना कमाते हैं, कितना लेन, जो गाड़ी का चेक करना काम वो अपना काम करना चाहिए उसको भी, बहुत गलत किया मगर अच्छा नहीं लगा, सब कुछ ओके है, सब ओके है, सिरे से चेक करने में किया है, सिरे से किया आप लोग देख सकते आईना पूरा, ये लोग पूरा फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, खोल खोल के जबरदस्त हाथ मोबाइल का टॉस लेके गाइस, ये लोग का भी राइट्स बनता था मतलब चेक करने का, तो हम लोग एकदम कुछ नहीं किया, उसका वजह से चेहरा देख के किया है, सिर्फ चेहरा देख के। हाँ तो जितना भी यहाँ पर लोकल है ना वो लोग को जाने दे, चाहे नागालैंड का रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो, चेहरा देख के उसको तो कुछ नहीं, सही सही बस हम लोग का चेहरा देख के इसमें रोकाया, हम लोग बोला है ना, हम जो बोला और दूसरा लोग इतना जा रहा है किसी को भी नहीं रोका, हम बोला है ना, हम लोग यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर है, और यूट्यूबर बोलने का वजह से थोड़ा सा ये हुआ, इफेक्ट हुआ है, अच्छा अच्छा बोल के ना ऐसे इफेक्ट हुआ, सभी लोग मतलब दूसरा को तो नहीं रुका रहा था जितना बहुत जा रहा है लोग का, तो हम चेहरा बना उस चेहरा का वजह से रुकता है, मेन आदमी चेहरा देखे, ऐसे ना करे, हर आदमी को बराबर ट्रीट करे, नहीं क्या बहुत दुख की बात है ना। आप लोग वीडियो में भी देख चुके हैं इतना सारा चेकिंग वेकिंग हुआ है, कोई नहीं रोका, कोई बात नहीं, चेकिंग बिना हेलमेट के साथ भी जा रहा था उन लोग को भी नहीं रोका, बिना सीट बेल्ट के साथ जा रहा है उन लोग को भी नहीं रोका, बस हम लोग को चेहरा का वजह से, और प्लस ना वो ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है इसलिए होगा, पूरा सब ये कोल कोल के चेक किया, टॉस मर मर के चेक किया, आप लोग वीडियो में देख रहे, वीडियो बनाने में नहीं रहता है, फिर भी मेरे जितना हो सकता है इसमें इतना सीरियस से देख रहा था, है ना, कुछ डाल भी सकता है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो छुरा नहीं, मैं दिखते रहा ऐसे, वही तो ऐसे देखते रहना, निर्देश से ना, तो
तो फिर दीरा गेट में भी मतलब कुछ हो रहा था, तो हम लोग वहाँ से होके जाना पड़ेगा लगता है। दीरा गेट में कुछ स्ट्राइक हो रहा है क्या? कल में दिखाई पता नहीं, मोरान कुछ स्टूडेंट लोग का